बोल माँ भवानी की जय, बोल गणेश भगवान की जय, बोल शंकर भगवान की जय। अरसुरति दीजे माँ सरस्वती कि तुम्हें मनाऊं महारानी, दास आस ले खड़ो द्वार में सुपल करो मोरी जिंदगानी, ज्ञान गजानन दीजिए तुम्हें मनाऊं आज, साज बाज आवाज की रख नहीं पर है आज, कि कोराव पंडाव में ठनी सुनो गजब की ठान, कि कई जोधा मारे गए बड़े बड़े बल, कि जब अब मन की चली गई समर भूमि में ज्ञान, कि पारत खे गुस्सा चढ़ी थानी है गजब की, अरे बाधे कराने जे दे रात बेरी को, रे पारत ने ठाने लाई ने मेरे पुत्र की जान जुर्म लिखे और धोखा से लिया है। गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना मेरे सूने में रचा और मेरे कुंवर के बुला करके धोखा से मरवा दिया, और इसमें मेरा खास बैरी मेरा कुंवर का घाती जेदरथ है। उस बैरी के में बिगर मारे नहीं छोड़ूंगा समर में, और ठान ठान लेते हैं पारथ क्या कहते हैं बैरी के मारने के लिए। थान प्रण कर खे भारी, अरे उठा धनुष और बाण के पारथ बल, कि सूर्य अस्त हो पाए ने, अरे पहले भंजा लऊं, अरे बदला बेटा को लऊं रे, बेरी को काट के I'm not afraid.
सोचते हैं अपने मन में कि मेरा बैरी कैसे मारा जाएगा, मैं प्रण करके मारूंगा, जिसमें सुनने वाले भी ये समझेंगे कि वाकई में दुश्मन को कैसा मारा जाता है। तो प्रण ठान लेता है अर्जुन कि मैं जयद्रथ है कल सूर्यास्त होने के पहले ही समर में मार डालूंगा। और क्या कहता है अर्जुन, पीस कर दऊं चूरा में, अरे बेईमानों की शान मिला डारो धूल, कि जो इतनो ने कर सको तो फेंक धनुष और बाण, अरे तन अग्नि में दम जल रे कर दे हो जान को। पहले अगर जयद्रथ को ना बधूं तो जे गांडीव धनुष, जे अच्छाई तृण जो कभी मेरे बाणों से खाली नहीं होता है, इसको भी फेंक दूंगा और अग्नि में जल जाऊंगा, अपनी जान को भी कुर्बान कर दूंगा अगर मैं बैरिक ना मारूं। ऐसा प्रण पारित करते हैं तब क्या होता है, ठान जब पारथ ठानो, अरे थर थर कपूरे शरीर सुनत बेरी घवे। जयद्रथ ने जब सुना कि अर्जुन ने मेरे मारने के लिए प्रण ठान लिया है तो कांप जाता है और दौड़ते दौड़ते गुरु द्रोण के पास जाता है और क्या कहता है कि गुरु द्रोण महाराज से कह सुनो लगा के ध्यान, अरे बचा सको तो ले बचारे, नहीं जावे हमारी। अर्जुन ने
सूर्यास्त होने के पहले ही मुझे मारने का प्रण किया है। तो गुरु द्रोण से जाके कहते हैं, गुरु महाराज मर जाऊंगा, बचा लो गुरुदेव, मुझे बचा लो। गुरु द्रोण कहने लगे, तुम्हें क्या हो गया जयद्रथ आज? तो जयद्रथ कहता है कि मुझे मारने के लिए अर्जुन ने भारी प्रण ठाना है गुरुदेव, तुमसे मैं बच सकूं तो बचा लो। और क्या कहता है कि जान छल बल बेईमानी, अरे ले बे मोरी जान ठान पारथ ने। कहने लगे गुरु महाराज, बेईमानी तो सबने मिलके किया है, मगर सबकी बेईमानी जान के मुझे मारने के लिए भारी ठान ठानी। और क्या कहता है कि सबने जुर्म लिखे लाए अब मनु के प्राण, ये पर पारथ रूठो मोई खेरे, ले देखे समार में। बताओ सबने तो जुर्मिल के अब मनु के प्राण लिए, पर अब मेरी जान जाने वाली है, मैं कैसा करूं गुरुदेव, कोई ऐसा उपाय करिए जिसमें मैं बच जाऊं। तब गुरु महाराज क्या कह रहे हैं जयद्रथ से, कहने लगे जयद्रथ क्यों चिंता करते हो, अभी तो तुम्हारा गुरु द्रोण बना है। और क्या कह रहे हैं जयद्रथ फिर गुरु महाराज से कि नहीं गुरुदेव तुम्हारी बातों हमें विश्वास नहीं, कुछ करो। तब क्या होता है, अरे जान मुश्किल है बचना, बचा ले ओ गुरुदेव रचोरे कोई ऐसी। कि गुरु द्रोण कहने लगे कि दिल में करो न खेद, अरे मैं ऐसी रचना रचोरे ढूंढे से मिले न। कहते हैं जयद्रथ चिंता मत करो, अरे मैं ऐसी रचना रचूंगा कि किसी के भेद नहीं मिलेगा और तुम बच जाओगे, नहीं मारे जाओगे, चिंता मत करो। गुरु महाराज जयद्रथ को धीरज धरा करके और क्या कह रहे हैं कि भेद ढूंढो ने पामे, अरे एक अर्जुन की को कहरे लाखे अरे जो ने चढ़े, कि कमल व्यूह रच दए गुरु कुरुक्षेत्र मैदान, ये भैया वही व्यूह के बीच मेरे लुक गाओ है दुष्ट भी
जयद्रथ की अर्जी सुन करके कमल व्यूह की रचना रचते हैं। कमल व्यूह की रचना इस प्रकार होती है, जिस प्रकार एक कमल का फूल रहता है और फूल के बीच में एक कली रहती है, इसी प्रकार से सेनाओं की रचना रचकर गुरु द्रोण महाराज ने जयद्रथ को उसमें छिपा दिया। देखिए बैरी वहां जाके लुक जाता, पर कपता है अर्जुन की डरों के मारे। अर्जुन को पता चला कि बैरी लुक गया है, तब अर्जुन क्या करते हैं, महान ऋषि भर दिल भारी अर्जुन आगे बढ़े रे हाँ किराए रथ गेरे। भगवान कृष्ण अर्जुन का रथ हाँकते हैं, कन्हैया से कहते हैं अर्जुन नाथ जल्दी रथ बढ़ाओ ना बैरी बच जाएगा तो मेरा प्रण खंडित हो जाएगा। तब क्या होता है कि महाकाल सम क्रोध में लगे धनंजय वीर, अरे बैरी झोले रहो नजर मेरे बिन मारे धरे जयद्रथ लुका जरूर है, पर दुर्योधन के भारी चिंता हो जाती। उस सब वीरों से कहते हैं कि सुनो भैया, इतनी रक्षा करना जयद्रथ की मार न जाए, क्योंकि हमारा जीजा है और हमारा जीजा मर गया तो हमारी बहन की क्या दशा होगी, इसलिए मर ना पाए हमारा जीजा। और यहाँ पे अर्जुन भारी तैयारी के साथ समर भूमि मैदान में उतर जाते हैं, और जात नहीं से क्या करते हैं आप सुनेंगे कि तीर तक तक मारे कई बेरी बेईमान मारे चचरा रे कर कि सावन भादों सी झरी लगी बानन की बोछार, ये भैया कई बेरी कट कट गिरे रे बह गई रे खून के। दोनों दल के वीर युद्ध कर रहे हैं, मगर पारत केवल जयद्रथ की खोज कर रहा है। और कमल व्यूह की जहां रचना रखते हैं गुरु द्रोण, वहीं पे रथ लेके भगवान कृष्ण पहुंच जाते हैं। तब क्या होता है देखिए, मार कर बे टकराने और गुरु द्रोण महाराज देख कर खेरे चके, गुरु द्रोण महाराज देख करके चकरा जाते हैं, अर्जुन को रोकते हैं कि अर्जुन आप आगे नहीं बढ़ सकते, नहीं तो तुम्हारा गुरु जरूर मैं ही मार दूंगा। अर्जुन कहते हैं गुरु महाराज जल्दी अलग हो जाओ, नहीं आज मारे जाओ तुम भी, क्योंकि बैरी के मारना है। तो देखिए क्या होता है कि रोकन चाहे गुरु ने पर चेला के सखिए ने रोक, करे आगे बढ़ेगा सूर मारे अब निर्भय डंक। Oh, 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 oh
आपस में टकरा जाते हैं और एक एक ऊपर चोट करते हैं, भारी कचना घान मार पड़ती समर के बीच में। गुरु द्रोण महाराज ने सोचा कि अर्जुन की मैं रोक लूं, मगर रोक नहीं पाई। अर्जुन ने गुरु महाराज को भी घायल करके अपना रथ भगवान कृष्ण कह करके आगे बढ़ा देते हैं। क्या होता है, रोक कई जोधा हारे, हारे मगर सके ने रोक वीर कई अकरे देले। बड़े बड़े वीरों को कहता है राजा दुर्योधन की रोको रोको इस बैरी थे। बड़े बड़े वीर रोकते हैं मगर अर्जुन को नहीं रोक पाते हैं। तब क्या होता है कि अटक रानो वीर से दुर्योधन बेईमान, अरे पर घायल कर दाए वीर ने रे, अब मार मार के अर्जुन नहीं रुकता है किसी से तो दुर्योधन खुद रुकता है, मगर फिर भी दुर्योधन से भी नहीं रुकता है अर्जुन। और अर्जुन ऐसे बाण मारते हैं कि दुर्योधन घायल होकर धरनी में गिर जाता है और आगे बढ़ जाते हैं और बाणों की वर्षा करते हैं अर्जुन। बाण लाखों बरसाए पर जय द्रथ के बाण लगन ये कहू नहीं, कि बैरी के मारन पाए ने। जब अर्जुन बैरी के नहीं मार पाते हैं तो भारी क्रोध में आ जाते हैं कि भाई अरे जुन बेहाल, अरे दीन भगत के बैरी ने बचे रे, बैठो है शीश में काल। भीम और नकुल सहदेव सबसे कह रहे हैं अर्जुन के भैया तुम चिंता ना करो, बैरी तो मारा जाएगा। अरे बैठो है शीश में काल, रे बैरी कितना बचे बचने पा, yeah।
की शीस में काल बैठा है, कितनों बचेगा मगर बच नहीं पाएगा। अरे जब मिल जाबे बेरी मोरो तू कैसे मुख नहीं मोड़ो, कि ले हो जान समर भूमि में कि बिन मारे ने। और क्या कह रहे हैं, अरे बकलासी पटाले हो खाल, अरे बकलासी पटाले हो खाल, रे बेरी कितना बचे बचने बा।